आतंकी मन्नान वानी के एनकाउंटर पर ट्विटर पर भिड़े गौतम गंभीर और अमर अब्दुल्ला। गौतम गंभीर ने कांग्रेस, भाजपा, अमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को टैग करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कॉलर मन्नान वानी के आतंकवादी बनने के पीछे राजनेताओं को जिम्मेदार बताया। तो वहीं गंभीर के इस ट्वीट का अमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए लिखा कि गंभीर कश्मीर के मैप पर वानी के जिले और घर का पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन वो ऐसा जता रहे हैं जैसे कि उन्हें पता हो कि वानी ने किस कारण आतंक का रास्ता अपना लिया। ओडिशा में तितली के बाद भूस्खलन ने मचाई तबाही, 12 लोगों की मौत। ओडिशा के गजपति जिले में तितली तूफान के बाद हुई भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और लोग लापता हो गए। HAL दफ्तर पहुंची राफेल की जंग, राहुल गांधी बोले आप हमें अपनी परेशानी बताएं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु में HAL के मुख्यालय में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में सत्तासीन मोदी सरकार ने HAL से राफेल का सौदा छीना है। मैं HAL कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं क्योंकि मैं उनका दर्द समझता हूं। उन्होंने कहा कि आप हमें अपनी परेशानी बताएं। केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत के घर छापे, 100 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आयकर विभाग ने एक बार फिर से उनके घर पर छापेमारी की, जिस दौरान 100 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ। हरियाणा ट्रेजरी में बैलेंस को लेकर अशोक तनवर का बड़ा खुलासा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तनवर ने प्रदेश के खजाने को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। तनवर का कहना है कि 9 अक्टूबर की रात को हरियाणा ट्रेजरी में 0 बैलेंस था। इतना ही नहीं, तनवर ने अपने मोबाइल से वह सबूत भी पत्रकारों के समक्ष रखा जिसमें ट्रेजरी के खाते में राशि शून्य दिखाई दे रही है। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने अमिताभ पर साधा निशाना, बोली तुम्हारा नाम भी जल्दी आएगा। इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ ने मीटू कैंपेन को सपोर्ट किया था। इस पर सपना भवनानी ने बिग बी के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, यह अब तक का सबसे बड़ा झूठ है। अब आपकी सामाजिक कार्यकर्ता वाली छवि भी बहुत जल्दी जाने वाली है। सच सबके सामने जल्द ही आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका, कार्यकारी अध्यक्ष ने की भाजपा में वापसी। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके ने कांग्रेस को झटका देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। गुवाहाटी के शुक्लेश्वर घाट में बम धमाका, 4 लोग घायल। गुवाहाटी के शुक्लेश्वर घाट इलाके में बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें कम से कम 4 लोग घायल हो गए। पवार ने कहा शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अनुमान व्यक्त किया है कि भाजपा और शिवसेना आगामी लोकसभा चुनाव साथ लड़ सकती है। 15 महीने तक असुरक्षित रहे फेसबुक अकाउंट्स, 2.9 करोड़ यूजर्स का डाटा हुआ चोरी। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने कहा है कि हाल में उसके सिस्टम को हैक किए जाने से करीब 3 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं। फेसबुक के यूजर्स का सबसे बड़ा आधार भारत में है।